संगीत माला भाग 32। श्री कृष्ण नारायण रातू जंकर। हिंदुस्तानी संगीत में महान विभूति रतन जंकर जी हुए हैं, जो विष्णु नारायण भातखंडे जी के प्रिय और सबसे योग्य शिष्यों में से थे। श्री कृष्ण नारायण रतन जंकर एक ऐसी मूर्ति हैं जिनका स्मरण करने से ही काफ़ी चीज़ें याद आती हैं। भातखंडे की लंबी परंपरा को आगे बढ़ाने में श्री कृष्ण नारायण रतन जंकर जी का योगदान है। आज भी भातखंडे कॉलेज लखनऊ में इनकी मूर्ति स्थापित है। आने वाली पीढ़ियां और कई पीढ़ियों से लोग इनको पूज रहे हैं, इनको सुनते हैं, इनकी जो बंदिशें हैं उनको दोहराते हैं। इनकी दीर्घ परंपरा बनी रहे, इसी के साथ इनका एक संक्षेप सा परिचय इस भाग वाला में दिया जा रहा है। महान संगीत विभूति श्री कृष्ण नारायण रतन जंकर का जन्म 31 दिसंबर 1900 को महाराष्ट्र में हुआ। इनके पिता श्री नारायण गोविंद जी संगीत के बहुत प्रेमी थे, यद्यपि उस समय संगीत को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, फिर भी इनके पिताश्री ने संगीत शिक्षा देने में कोई कसर नहीं रखी। श्री कृष्ण नारायण जी ने 7 वर्ष की आयु में कृष्णकांत भट्ट होनवा, जो स्वर्गीय उस्ताद काले खां पटियाला वालों के शिष्य थे, उनसे संगीत शिक्षा आरंभ की। 1 वर्ष में आपने स्वर ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद 2-2.5 साल तक शिक्षा यह जारी रही। बाद में उन्होंने आंध्र के श्री अनंत मनोहर जोशी बुआ से संगीत शिक्षा प्राप्त की। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का शिष्यत्व ग्रहण किया। पंडित रतन जंकर ने सन 1916 में बड़ौदा में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में पंडित भातखंडे जी के साथ भाग लिया। वहां भातखंडे जी ने उन्हें महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के समक्ष एक होनहार शिष्य के रूप में पेश किया। पंडित भातखंडे ने रतन जंकर के लिए राज्य छात्रवृत्ति दिलवाई, जिससे उन्होंने दरबारी संगीतज्ञ आफताबे मौसकी उस्ताद फैयाज खां से शिष्य शिक्षा ग्रहण करी। पंडित रतन जंकर 1917 से 1922 तक उस्ताद फैयाज खां साहब के साथ रहे। 1922 के शेष भाग में वह मुंबई आ गए और पुनः पंडित भातखंडे जी के निर्देशन में रहे। 1924 एवं 1925 में उन्होंने भातखंडे जी के साथ लखनऊ में 4th एवं 5th अखिल भारतीय संगीत सम्मेलनों में भाग लिया। सन 1926 में मैरिस कॉलेज, जो बाद में भातखंडे कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से जाना गया, की स्थापना उन दिनों में हुई थी। यहाँ पर थोड़ा भातखंडे का एक उल्लेख करूँ, क्योंकि मेरी स्वयं की
और मेरे अनुज और मेरी भगनी बहन की किसी शिक्षा भातखंडे लखनऊ से भी है। बहुत श्रद्धा से उसे पूजा जाता है। तोप वाली कोठी उसको कहते हैं जो पुराना था। मैरिस कॉलेज का नाम भी हम सुनते आ रहे थे। विद्यापीठ लखनऊ से वहाँ परीक्षाएं संचालित आज भी होती हैं, लेकिन वर्तमान के परिदृश्य में सब विश्वविद्यालय भातखंडे हो चुका है, परंतु विद्यापीठ का वह मान बना हुआ है और वह परंपरा आज भी भातखंडे जी की उस परंपरा को मानने वाले रतन जनकर जी के चाहने वाले आज भी हैं। और मेरे गुरु प्रोफेसर प्रेम सिंह किन्नौर साहब ने रतन जनकर जी की पुस्तकें मुझे सौंपी थी, जिस पर अपने अपना अलीगंज का पता तब लखनऊ का लिखा था। वहाँ वो रहते थे उस्ताद जी। तो मैं देखता था जो सहने उस्ताद किन्नौर साहब, सुरेंद्र शंकर अवस्थी साहब, तमाम जो लोग थे, रतन जनकर जी को याद करते हैं, उनके आंसू छलक जाते। तबले के उस्ताद पंडित शीतल प्रसाद जी यहाँ पर हैं लखनऊ में, वह सब लोग आज भी उन्हें उसी प्रकार से पूछते हैं। वाकई श्री कृष्ण नारायण रतन जनकर संगीत के ईश्वर रूप में इस धरा पर आए थे। तो यह भातखंडे का एक संक्षेप से यहाँ पर मैंने कुछ दो चार लाइनों में उल्लेख किया। तो इसकी जो संरचना जो हुई थी, जो बना था भातखंडे, मैरिज कॉलेज के नाम से बुजुर्ग आज भी तक उसे याद करते हैं। उसके बाद आज भातखंडे विद्यालय के रूप में उसको जानते हैं। इस कॉलेज में सन 1926 में जब इसको मैरिज कॉलेज कहा गया था, एक शिक्षक के रूप में रतन जनकर जी यहाँ भेजे गए। बाद में सन 1928 ईस्वी में उस कॉलेज के वह प्राचार्य बने। प्राचार्य के रूप में उनका जो योगदान तो सुना जाता है, बहुत ही सादा जीवन उन्होंने रहकर खूब घोर तपस्या वहाँ पर रचनाओं की रचना उन्होंने की और अपने ज्ञान को बांटा। सन 1956 तक वह प्रिंसिपल वहाँ के जो प्राचार्य के पद पर रहे। 1956 में खैरागढ़ मध्य प्रदेश में भारतीय संगीत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति उन्हें नियुक्त कर दिया गया। सन 1957 में इन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। पंडित रतन करजी द्वारा प्रकाशित प्रमुख ग्रंथ तान संग्रह जो तीन भागों में है, अभिनव गीत मंजरी और तान लक्षण गीत संग्रह, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की स्वरलिपि इस संगीत जगत को दी। इसके अलावा वेंकट मुखी की चतुर्दंड प्रकाशिका का हिंदी अनुवाद किया। पंडित रतन जनकर ने भातखंडे जी की विचारधारा का प्रचंड प्रचार किया है, जिसका आज देश दुनिया में भातखंडे जी के साथ साथ रतन जनकर जी को याद किया जाता है। बम्बई में भारतीय विद्या भवन की संगीत विद्यापीठ की स्थापना इन्होंने की। ऐसे महान कलाकार जो शास्त्रीय विधा, शास्त्रीय संगीत के गायन की विधा के व्याकरण के प्रकांड थे। 14 फरवरी 1974 को इनका निधन हो गया। रतन जनकर जी का योगदान संगीत जगत को हमेशा उजाला देगा, उनका स्मरण हमेशा बना रहेगा, उनका आशीर्वाद अपने शिष्यों को
हमेशा रहेगा।